अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चला फिर आप सबका? आई होप के सभी ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो वेलकम बैक हो गया आज के इस वाले हमारे न्यू व्लॉग के अंदर। तो सबसे पहले तो भाई जो न्यू आया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लियो, अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना पूरी, पहले सीन करें ना, अच्छी लगे तो लाइक करना, ना लगे तो डिसलाइक कर देना। यार पता है मुझे आप लोग ऐसे ही करते, आप लोग ये नहीं देखते यार अगला बंदा कितनी स्ट्रगल कर रहा है। एक भी एक सेकंड का भी अगर आपको पार्ट पसंद नहीं ना आया या कोई एक थोड़ी सी बात बुरी लगी, चलो जी बस डिसलाइक मारा, तो यार ऐसे ना किया करो। मैं ये नहीं कहता, मुझे नहीं किसी को भी ना किया करो यार, सभी की मेहनत होती है और हर बंदा ही चाहता है आपके लिए जो है ना अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट बनाया जाए, हर बंदा ही कोशिश करता है। यार अभी यार मैं 7-8 किलोमीटर दूर हूँ घर से, वो इसलिए कि यार हमारे इधर ना ऑल ओवर पंजाब का एक मुकाबला था, कॉम्पिटिशन था, जितने भी बॉडी बिल्डर हैं ठीक है उन सभी का मुकाबला, उसमें मेरा भी एक दोस्त था, उसने पहले एक विन किया भी है ठीक है, तो वो भी उसमें ऐड है ठीक है। और आज अभी कंपटीशन शुरू होने वाला है, इस वजह से मैं जो है ना पहले ही पहुंच गया था। और ये साथ ही जो है ना मेरे बैक साइड पे पार गई, ऑल ओवर पंजाब का मुकाबला है, सारे पंजाब से इधर आएंगे ठीक है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। चलो बहुत हो गया, ज्यादा लंबा व्लॉग करना भी नहीं है हमने, चलो ठीक है चलते हैं आ जाओ। मिस्टर जे आर मिस्टर सियालकोट 2023 ठीक है, ऑल ओवर पंजाब का सही है ना, ये एंट्रेंस है, चलते हैं अंदर, बहुत देर होगी यार आए हुए। अभी तैयारी चल रही है यार, लाइटें वगैरह सब ऑफ हैं, अभी कुछ भी जो है ना ऑन नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको स्टार्टिंग पे मैं कहता हूँ दिखा दूँ ना क्या तैयारी शारी हुई हुई है इनकी। कुर्सियाँ तो वावे लगा दी यार, इतने लोग पता नहीं आने भी हैं या नहीं है, मैं भी ज़्यादा आ जाएँ, मैं क्योंकि फर्स्ट दफ़ा आया हूँ ऐसे मुकाबले में, मैं कभी भी नहीं गया। जिम जाते थे तो वो जाहिर है उधर फ्रेंड बन जाते हैं, एक दो तो वो हमें ट्रेनिंग देते थे ठीक है, तो उसने बोला कि आ जाना अभी, मैंने कहा ठीक है व्लॉग भी निकल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये उधर वॉलीबॉल के लिए यार या टेनिस के लिए लगा हुआ जाल, ये देखो, ये देखो जैसे नवाज शरीफ हॉकी स्टेडियम, ये देखो फ्लैक्स भी लगी हुई है ठीक है, ये देखो वॉलीबॉल ट्रायल, ये कोई पुरानी लगी है लेकिन ये कि लगी हुई है, वैसे लाइटें लगी हुई हैं बट ये देखो बहुत बहुत बड़ी लगी हुई है लाइटें यार, ये देसी मॉल बनाया हुआ है इन्होंने, नहीं नहीं ऊपर भी लगी हुई है लाइटें यार, बहुत बड़ा स्टेडियम है ना ये, जैसे आप देख सकते हो बैठने की जगह भी ऊपर इधर को, उसके बाद वो देखो ये सारी बैठने की जगह है देखने वाले, इधर वॉलीबॉल मैच होता है ना, वॉलीबॉल स्टेडियम था बेसिकली ये, जिसको ये अभी जिम कॉम्पिटिशन के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन इधर ही जो है ना ये कर लिया गया है पूरा सिस्टम, क्योंकि ये हॉकी स्टेडियम है ना तो ये मतलब प्ले ग्राउंड है एक हिसाब से, लेकिन इधर ही जो है ना वो स्टार्ट कर लिया गया है। तो ऐसा करते हैं जब तक ये तैयार करते हैं सारा, मतलब रेडी कर लेते हैं तब आएंगे वापस, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगने वाला यार इनका, मैं समझ रहा था मैं लेट हो गया हूँ यार, तो अभी ऐसा करते हैं चलते हैं सीधा बाहर, ये देखो बैठे हुए हैं कुछ लोग, बाहर भी वेट कर रहे हैं कुछ आ रहे हैं, अभी बाहर आ गया था भाई, इधर फुटबॉल खेल रहे हैं सही है, ये थोड़ी देर देखते हैं, ये फुटबॉल स्टेडियम है ठीक है, जैसे कि वो देखो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये भी काफ़ी हद तक, ये देखो, और वो जो था उधर उस साइड पे जिधर से मैं अभी आया हूँ उधर है वॉलीबॉल स्टेडियम, और इसके बैक साइड पे ये देखो नवाज शरीफ हॉकी स्टेडियम एच ओ उतर ही गया है, और ये इस साइड पे अंदर मैं आपको भी जाके एक्सप्लोर कराता हूँ, अब तक थोड़ी देर ये देख के कर गया रहे हैं। ये अंदर का जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ क्या, बहुत बड़ा यार ये भी, लेकिन ये प्रॉपर ही अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, ये दो दरवाजे एंट्रेंस के सही है, ये देखो बड़ा ही पुराना है यार, बड़ा बुरा हाल है इसका, ये वाम खेल रही है इतवार है आज, रश देखो यार, ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ व्यू मैं ना इसका, फुटबॉल आके खेला मैंने यार इधर ना, तो इधर मैं भी उस टीम में ऐड था तो खेला था इधर मैंने फुटबॉल आके, लेकिन ये जगह हॉकी के लिए है वैसे, ये देखो ना प्रॉपर स्टेडियम बना हुआ है एक, ये अंदर जजेस बैठते हैं शीशा लगा हुआ है ठीक है, इधर से वो एक्सप्लोर करते हैं बैठ के, मैं अंदर चल के आपको ये भी दिखाता हूँ, टूटी हुई है ये देखो, कुछ ऐसा ही करके क्रिकेट स्टेडियम भी होता है जो जिधर इंटरनेशनल मैच होते हैं,
जजेस बैठ के जो देख रहे होते हैं वो इधर से अंदर बैठ के जो है ना देख रहे होते हैं, दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन अभी तो खैर सारा कुछ टूटा फूटा पड़ा है। वहां देखो यार अब सारी इधर ही आग लग रहा है, मुझे क्रिकेट ही खेल रहे हैं सारे, आधे तो बैठ के देख रहे हैं। क्लीन अभी जो है ना ये कर दिया उन्होंने फोल्ड, ये जब हॉकी या कोई फुटबॉल का मैच हो या तब भी जो है ना ऑन करते हैं, ये देखो पड़े हुए हैं ऐसे। ये देखो भाई ये बस खड़ी है टूटी फूटी, बहुत ही बुरा हाल है इसका। ऊपर लिखा हुआ है क्या, वेक सियालकोट, सियालकोट तू जिंदा रहेगा। सियालकोट अपना शहर है यार बाबा जी, सियालकोट यार बहुत है। आप कह रहे होंगे कि भाई आपने वो तो दिखाया नहीं है, तो वो यार ब्लॉग ज्यादा लंबा नहीं करना, तो वो सेकंड पार्ट में आएगा, तब तक के लिए वेट करना। जब मैं वो कंपटीशन आपको दिखाता तो फिर तो ब्लॉग छोटे होना था, लेकिन अभी मैंने आपको ये सारा एक्सप्लोर करा दिया है, ये जो जितना भी हॉकी स्टेडियम है, तो सीरियस ब्लॉग लंबा हो गया ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी किया करो यार वीडियो अपने फ्रेंड्स को, कजन्स को, रिलेटिव्स को। अल्लाह हाफिज़।